चलो फिर आज सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, सिलेबस की। ठीक है, कि सेकेंड टर्म का हमारा सिलेबस क्या है और क्या क्या इसमें डिलीटेड टॉपिक है। तो सबसे पहले लिख लो, हमारा टर्म टू का सिलेबस है, सबसे पहले इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, कैलकुलस। ठीक है, राइट डाउन करते चलो साथ साथ। ठीक है, कैलकुलस, इसके बाद से आएगा आपका वेक्टर एंड 3D। ठीक है, वेक्टर्स एंड 3D। ठीक है, और थर्ड जो हमारा यूनिट होगा यह है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थर्ड यूनिट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब इसके वेटेज की बात करो तो कैलकुलस आपका आएगा ये 18 मार्क्स का। ठीक है, और ये वेक्टर एंड 3D का वेटेज क्या होगा, ये आपका आएगा 14 मार्क्स का। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का। ठीक है, ये यूनिट वाइज आपका क्या हो गया, सिलेबस हो गया टर्म टू का। ये टोटल कितना हो गया आपका, 40 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटरनल, जो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाई जाएगी उसके लिए। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे मेन क्या हो गया, कैलकुलस आपका कितने मार्क्स का हो गया, 18 मार्क्स का। और इस बार जो पेपर आएगा कितने घंटे का होगा, 2 आवर्स का होगा। ठीक है, इस बार 2 आवर्स होगा, और पेपर क्या होगा, इस बार डिस्क्रिप्टिव होगा, सबको पता ही होगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लिए सब लोग। यस सर। चलो अब देखो, अब इसमें करेंगे क्या, अब एक एक यूनिट को हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात किसकी करेंगे, कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो कैलकुलस में सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, इंटीग्रल्स। राइट डाउन कर लो। ठीक है, कैलकुलस का सबसे बड़ा और लेंदी टॉपिक है ये क्या, इंटीग्रल्स। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिलीटेड टॉपिक की, क्या क्या हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो इंटीग्रल्स में लिख लो, जो हमारा डिलीटेड टॉपिक है ये होता है आपका 7.8। ठीक है, इंटीग्रेशन का ये एक्सरसाइज 7.8 है। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय लिमिट एज अ सम, ये वाला जो टॉपिक है हमको नहीं डिस्कस करना है। 7.8 हमारे सिलेबस में क्या है, नहीं है। ठीक, और बाकी सब कुछ पढ़ना है, और इंटीग्रेशन में कुछ नहीं कटा है, डिलीटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या आपका डिलीटेड है, 7.8। ठीक, अब इंटीग्रल्स के बाद सेकेंड हम किसकी बात करेंगे, दूसरा क्या आ जाएगा, अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें आपको इसका डिलीटेड पोर्शन क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे भी 8.2 एक्सरसाइज। ठीक है, इसका क्या होता है, एरिया अंडर टू कर्व्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमको डिस्कस नहीं करना है, ये डिलीटेड है। देखो इस बार भी बहुत सारे चैप्टर कटे हुए हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि इसको स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ करोगे तो ये इजीली तैयार किया जा सकता है। तो इसमें हमको ये नहीं पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्या, एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, बुक में अच्छे से इसको मार्क कर लेना। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो ये एरिया अंडर टू कर्व नहीं करना है। ठीक, इसके बाद से थर्ड इसमें हमको क्या डिस्कस करना है, डिफरेंशियल। राइट डाउन कर लो, थर्ड में हमको क्या पढ़ना है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें देखो हमको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, डिलीटेड टॉपिक इसमें हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें हमको क्या नहीं पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आपकी हो जाती है एक्सरसाइज 9.3। ये हमारा डिलीटेड है, इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेना सब। ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, और इसके बाद से एक इसमें और टॉपिक है क्या, सॉल्यूशन ऑफ
इसमें लिख लो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला पोर्शन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, इसमें ये वाला नहीं पढ़ना है, डी एक्स अपान डी वाई, ठीक है, डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये वाला। इसमें दो टाइप का बनता है, एक बनता है dy by dx plus py equal to q के फॉर्म का, उसको डिस्कस करना है। ये वाला हमको पोर्शन क्या करना है, नहीं डिस्कस करना है, तो ये राइट डाउन कर लो। ये हमारा हो गया कैलकुलस का पूरा डिलीटेड जो पोर्शन है, इतने सारे पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इंटीग्रल में क्या है 7.8, ये बच्चों को बहुत टफ भी लगता था, ये अच्छा ये हट गया, इंटीग्रेशन बाय लिमिटाइजेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्या है 8.2, ठीक है। ये भी लेंथी पोर्शन था, ये भी खत्म हो गया, तो ये सबसे आसान इस बार हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सरसाइज 8.1 और उससे रिलेटेड क्या करना है, मिसलिनियस एक्सरसाइज बस डिस्कस करना है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में ये 9.3 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और ये सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप ये वाला डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, सबका हो गया। राइट डाउन कर लिए सब लोग? यस सर। चलो यस सर। ओके यस सर। अब चलो, अब हम इंटीग्रल्स के बाद बात किसकी करेंगे, वेक्टर और 3D की। राइट डाउन करो साथ साथ लिख लो। अब सबसे पहले इसमें देखो वेक्टर्स, ठीक है, एंड 3D दोनों को एक साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें पहले देख लो किसको, वेक्टर्स को। देखो वेक्टर्स में हमारा क्या डिलीटेड पोर्शन है, इसमें लिख लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें हमें यह डिस्कस नहीं करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये हमारा जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज दी है बुक में, वहां पे दे रखा है। इसमें वेक्टर्स के चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज है वहां हमको सब कुछ करना है। ये सप्लीमेंट्री पोर्शन में दिया रहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसे हम इस बार नहीं डिस्कस करेंगे, ये भी सिलेबस में नहीं है, वरना ये बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते थे, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका। अब चलो इसके बाद से बात किसकी करेंगे, 3D की। 3D में डिलीटेड पोर्शन क्या आ जाएगा, लिखो एंगल बिटवीन सर इंटीग्रेशन की भी तो। हाँ बोलो सर। हाँ इंटीग्रेशन वाला भी तो सप्लीमेंट्री मटेरियल करता है। हाँ उसमें थोड़ा सा एक पोर्शन है इंटीग्रेशन का, सप्लीमेंट्री पोर्शन में ये वाला पोर्शन कटा है, चाहो राइट डाउन कर लो, लिख लो इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, फर्स्ट ये होता है और सेकंड, इसमें भी सप्लीमेंट्री में दो पोर्शन है, ठीक है। एक हो जाएगा इंटीग्रेशन फिर ax प्लस b और ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। ये भी इंटीग्रेशन का सही बोल रहा है शिवम, सप्लीमेंट्री मटेरियल ये वाला भी क्या है आपका, डिलीटेड पोर्शन है। हालांकि इससे कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है, कोई बहुत वो नहीं था, लेकिन ये ट्रिपल प्रोडक्ट आया था इसलिए हमको बता, इसको हम बताए भी नहीं थे, तो इसको भी राइट डाउन कर लो। सप्लीमेंट्री मटेरियल में इंटीग्रेशन में ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, राइट डाउन कर लो इतना सब लोग। हो गया सबका, ठीक है। चलो अब 3D की बात करेंगे। अब 3D पे आ जाओ, मेनली यहाँ पे करना क्या है, एंगल बिटवीन ये पोर्शन, ये पूरा कट गया है, ठीक, एंगल बिटवीन, ठीक है। अब इसमें तीन टाइप्स के मेन, थ्री टाइप्स के देखने रहते हैं, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दूसरा क्या हो जाएगा एंगल बिटवीन्स, ठीक है, टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, और थर्ड एंगल बिटवीन लाइन एंड क्या प्लेन, ठीक। जहां पे भी आपकी एंगल की बात होगी ये आपका क्या है, सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो ध्यान से देखना है कि जो जो पहले चीजें सिलेबस में नहीं है उसको मार्क करना है, उसको नहीं पढ़ना है, सिलेबस
ठीक है, टाइम बहुत कम है। ठीक, ये मेनली आपका किस एक्सरसाइज में आ जाता है, 11.3। 11.3 में और भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, लेकिन ये एंगल वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में क्या है, नहीं है। इससे रिलेटेड मिसलिनियस में भी क्वेश्चन मिलेंगे, उसको भी हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, इतना हो गया सबका। राइट डाउन कर लिए सब लोग? यस सर। चलो अब देखो, वेक्टर 3D के बाद अब अपन डिस्कस किसकी बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, राइट डाउन कर लो प्रोबेबिलिटी। चलो प्रोबेबिलिटी में भी डिलीटेड टॉपिक लिख लो, इसमें हमको क्या क्या नहीं करना है लिख लो, मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, पहला तो इसमें हो गया मीन एंड वेरिएंस ऑफ किसका, रैंडम वेरिएबल। ठीक, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये हमको नहीं करना है। और दूसरा जो हमें नहीं करना है आपका है बाइनोमियल, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डाउन कर लो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये टॉपिक्स इसमें क्या हो गए, आपके डिलीटेड हो गए, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक, तो इसमें आपकी जो एक्सरसाइज होगी 13.5 पूरा का पूरा कट गया है, और 13.4 पार्शियली, इसमें मतलब कुछ कटा है, और इसमें से कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, जब एक्सरसाइज करेंगे हम वहां पे आप लोगों को बताते चलेंगे। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी में डिलीटेड पोर्शन है, क्या कट गया आपका, मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, फिर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 13.5 और 13.4 का कुछ पोर्शन डिलीटेड है। ठीक है, हो गया सबका इतना। देखो तो ये हमारा पूरा सिलेबस हो गया सेकेंड टर्म का। ठीक है, ये पूरी स्ट्रेटेजी पहले बना के चलना है कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जैसे इजिली हम 35 to 40 गेन कर लें। ठीक,